हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी सुबह की शुरुआत कड़क चाय के साथ होती है। इसके पहले एक गिलास गरम पानी पिए थे हम, और सुबह में नाश्ता में वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे, जिसका तैयारी कर चुके हैं। इसकी रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं। नाश्ता बनाने से पहले आपको चलिए बाहर ले चलते हैं। ये बैकडोर है, सामने की तरफ से ये धूप बहुत अच्छा आता है, तो जो अचार बनाए थे ये अचार धूप में रखा हुआ है। अभी आपको फ्रंट में ले चलते हैं। चलिए, सुबह की चमकीली धूप बहुत अच्छी लगती है। आपका मन कैसा भी हो, फूल पत्ते पौधे हरी भरी घास देखकर मन जरूर एक बार हंस पड़ता है, खुश हो जाता है। चलिए किचन में चलते हैं। तेल गर्म हो चुका है, उसमें थोड़ा सा लहसुन काट कर डाल रहे हैं हम, और उसी में प्याज, फिर जब थोड़ा सा पक जाए तो प्याज और शिमला मिर्च को डालकर सौते कर लेना है। उसके बाद पास्ता को डालकर मिला लें, फिर टमाटर जो पिस चुका है, पेस्ट है टमाटर का, उसको डालकर बना रहे हैं। इस समय फ्लेम को लो रखते हैं हम, अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद अपना स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं, नमक डालना है, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, तीखा आपको जितना पसंद हो उतना आप चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम टेस्ट के लिए हरा मिर्च, क्योंकि हमको हरा मिर्च पसंद है, ये गोलकी पाउडर है, इसको लगभग आधा चम्मच जैसा डालकर चला देंगे। और ये मिल्क क्रीम है, अमूल की मिल्क क्रीम, इसको डालकर फिर से चला देना। छोटा सा क्यूब बटर का है, चिली फ्लेक्स है और ऑर्गेनो है। ऑर्गेनो मेरे पास ज़्यादा था नहीं, इसलिए हम थोड़ा कम डाले हैं। और फ्लेम आप लो रखेंगे, उसके बाद इसे मिला लेंगे। हाँ, ये थोड़ा चीज़ डाले हैं हम, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है। इसके बाद मिलाकर बस एक मिनट के लिए चलाएंगे। मिल्क क्रीम डालने के बाद ज़्यादा देर गैस पे नहीं रखेंगे और पास्ता रेडी है। मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब